हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस मंकर्स पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बायोलॉजी के टारगेट सीरीज़, और DSSP PGT बायोलॉजी के लिए हमारा टारगेट रहेगा। अभी हम सब्जेक्ट रिलेटेड स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक सीरीज़ रहेगी, और एक हम पेपर ए से, यानी कि जिसमें आपके 5 सेक्शन हैं, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग। तो दोस्तों, हम वो भी स्टार्ट करेंगे। अभी हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं आज बायो से। ये पेपर जो है 2018 का पेपर है दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट्स का पेपर है, और PGT फीमेल बायोलॉजी के लिए ये पेपर था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चंस यहाँ पर जो एक तरीके से कह सकते हैं, पर लॉट में 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20-20 क्वेश्चंस करके हमें करने होते हैं ऑनलाइन। तो ये पेपर आपका 2020 से बेसिस रहेगा। तो एक स्लॉट हम इसका अभी करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ देख सकते हैं आप, करेक्ट आंसर पे आपको 1 नंबर मिलेगा और रॉन्ग आंसर पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। दोस्तों, क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द टर्म गिवन टू द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपिरेशन। तो दोस्तों, इसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। एक्चुअली में वाइटल कैपेसिटी में आपकी तीनों चीज़ें आ जाती हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है इसके अंदर, ERV है, प्लस टाइडल वॉल्यूम तो रहेगा। इन तीनों को मिलाकर के जो कैपेसिटी बनती है, ये वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें आप जो वाइटल कैपेसिटी रहेगी इसके अंदर ना, ये तीनों चीज़ें हैं, और 3 से 5 लीटर तक इसकी कैपेसिटी होती है, 3 to 5। तो अगर ये पूछा जाए कि वाइटल कैपेसिटी जो है वो टोटल कितना रहती है, तो 3 से 5 लीटर के बीच में वाइटल कैपेसिटी टोटल रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एट व्हाट pH वैल्यू अ बेसिक अमीनो एसिड हैज़ अ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिक अमीनो एसिड की बात कर रहा है। पहली बात तो हमें ये जानना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है। दोस्तों, बेसिक ये कॉन्सेप्ट ज़ुटराइन से आया हुआ है, और ज़ुटराइन में हम जानते हैं कि वहाँ पर एक अमीनो एसिड रहता है, यानी कि एक तरफ अमीन ग्रुप रहता है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है। तो वैसे तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब है कि जहाँ पर जो चार्ज है मॉलिक्यूल पे वो ज़ीरो हो जाए, लेकिन क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड के लिए पूछा है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 7 होने वाली है। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पूछा जाता तो लेस देन 7 होने वाली थी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टेक्निक कॉल्ड थेरेपेटिक क्लोनिंग। दोस्तों, ये जो टेक्निक है, ये थेरेपेटिक क्लोनिंग वाली जो टेक्निक रहती है, इसमें हम सोमेटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसफ़र करते हैं ओवम में। और बेसिकली क्योंकि हम सोमेटिक सेल्स का यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओवम में, तो ये जो बाकी डिजीज जो ऑटोसोमल डिजीज़ हैं उनसे बचाने के लिए, जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन है या जो जायगोट बने उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए जो कि पेरेंट्स में है, तो वहाँ पर ये थेरेपेटिक क्लोनिंग की जाती है। लेटेस्ट टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग सोमेटिक सेल्स के अंदर से न्यूक्लियस लेकर के ट्रांसफ़र करते हैं ओवम के अंदर। दोस्तों, तो इसमें जो बेसिक मतलब वो रहेगा, वो ये रहता है कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफ़र ना हो, जैसे आर्थराइटिस वगैरह हैं, या कह सकते हैं पार्किंसन डिजीज़ है, ये डिजीज़ वगैरह जो है ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र ना हो, उससे बचने के लिए टेक्निक रहती है। तो ये इसका आंसर थर्ड होने वाला है दोस्तों। देन हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आउटकम व्हेन अ सिंगल अनफर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट बिफोर द फर्टिलाइजेशन एंड इज देन फर्टिलाइज्ड बाय द सेपरेट स्पर्म्स। बहुत सिंपल है ये दोस्तों, जब एक अनफर्टिलाइज्ड एग पहले ही स्प्लिट हो चुका है और वो अलग अलग स्पर्म्स के थ्रू कह सकते हैं फ्यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे सेपरेट जायगोट्स बनते हैं, दो जायगोट्स बनते हैं, और ये आइडेंटिकल ट्विंस नहीं कहलाते, ये पैटर्नल ट्विंस कहलाते हैं, और हाफ आइडेंटिकल ट्विंस भी कहलाते हैं। इसके अंदर जो जायगोट बनेगा वो दो बनेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर पैटर्नल भी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि एक सिंगल अनफर्टिलाइज्ड एग था, उसी से दो बन रहे हैं, तो इसमें हाफ आइडेंटिकल ट्विन का मतलब ये है कि जो मदर की तरफ से जीन्स गए वो तो दोनों में सेम गए, लेकिन जो फादर्स की तरफ से गए, फादर की तरफ से, वो अलग गए क्योंकि वहाँ पर स्पर्म अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर हाफ आइडेंटिकल ट्विंस इनको कहा जाता है दोस्तों। ये दोनों अलग अलग ही डेवलप होते हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो भी अलग अलग रहेगी। इन द एंजाइम क्लासिफिकेशन, DNA gyrase बिलोंग टू द ग्रुप, या आइसोमरेज से ही बिलोंग करता है,
एक बार ये भी जान लेते हैं कि डीएनए गायरेज का वर्क क्या है दोस्तों। ये कैटालाइज करता है एटीपी डिपेंडेंट नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, यानी कि सर्कुलर जो है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो रहता है उसकी रिकॉइलिंग ना हो जाए, उससे बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इसका काम रहता है डीएनए गायरेज का। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिजल्ट इन मैटरनल जीन इफेक्ट व्हेन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म बिफोर जायगोटिक जीन एक्सप्रेशन। तो आरएनए और प्रोटीन्स ही जाते हैं इस ड्यूरिंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एल्वियोलाई एंड ब्लड। तो इसमें कौन सा फैक्टर ऐसा नहीं है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज इन ब्लड, ये तो होगा ही दोस्तों, यही तो मेन बेसिस है एक्सचेंज ऑफ गैसेज का, डिफ्यूजन का। देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसीलिए नाइट्रोजन सॉल्युबल नहीं हो पाता ब्लड के साथ में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ही होते हैं। थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज इन एटमोसफेयर, इससे कोई लेना देना नहीं है कि एटमोसफेयर में क्या पार्शियल प्रेशर है, उससे कोई मतलब एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज का कोई लॉजिक नहीं बनता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रेंसिक गैस्ट्रिक इंट्रेंसिक फैक्टर ना दोस्तों, ये कौन सी सेल सिक्रेट करती हैं जीआईएफ? गैस्ट्रिक इंट्रेंसिक फैक्टर जो है पैराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल, ठीक है, ऑक्सेंटिक सेल भी इनका नाम होता है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। और यहाँ यही सेल्स होती हैं जो एचसीएल भी रिलीज़ करती हैं, इसीलिए गैस्ट्रिक इंट्रेंसिक फैक्टर भी इन्हीं को बोला जाएगा, यानी कि जब ये फैक्टर रिलीज़ कराता है एचसीएल को तो ये सेल्स जो हैं इन्वॉल्व होती हैं एचसीएल को रिलीज़ कराने में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी चीफ सेल्स आपको मालूम ही है, ये भी बात कर ही लेते हैं, ठीक है। ये म्यूकस वगैरह के लिए म्यूकस सेल्स रहती हैं, और एक पेप्सिन है ना, चीफ सेल्स के लिए क्या रहता है, पेप्सिनोजिन नाम का एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो बाद में एचसीएल के संपर्क में आते हैं पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ अ फैसेट इन स्केलेटल सिस्टम। तो फैसेट जो रहता है स्केलेटल सिस्टम में वो क्या रहेगा, एक फ्लैट स्मूथ सरफेस दोस्तों, जो दूसरे फ्लैट बोन के साथ में ग्लाइड करता है एक तरीके से, और कह सकते हैं एक तरीके से एक जॉइंट बनाता है जो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर सके, है ना, एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सके, ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी बनते हैं इन्हीं से। तो फैसेट इज़ व्हाट, ए स्मूथ फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, जैसे ग्लाइडिंग जॉइंट वगैरह के उसमें ये हेल्प करेगा। कहाँ पाए जाते हैं आपके ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, आपके रिस्ट में, आपके स्पाइन में, ठीक है, इनमें आपको मिलते हैं, एंकल में मिल जाएंगे आपको ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है, लिमिटेड मूवमेंट होता है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड, यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड की भी आपको प्रेजेंस मिलेगी दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, ये सब जानते हैं, प्लेटलेट्स ही है इसका आंसर। इसमें दोस्तों डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, प्लेटलेट्स डू नॉट हैव द न्यूक्लियस, इसके अलावा आरबीसी जो रहती हैं वो भी न्यूक्लियाई नहीं कंटेन करती हैं, बट इसमें जो है ये आपको तीनों के तीनों डब्ल्यूबीसी के टाइप्स दे रखे हैं दोस्तों, तो ये इसलिए आंसर नहीं होगा दोस्तों। देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस इज अ फेटल कंडीशन सीन इन सेकेंड चाइल्ड ऑफ द मदर विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप। एक चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत क्लियरली एनसीईआरटी में गिवन है कि फादर जो है वो आरएच पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, मदर जो है आरएच नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये फादर ये मदर ये आरएच नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये फैक्टर बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आप इसमें से देख लेते हैं कि मदर के पास कौन सा, ये तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, केवल नेगेटिव एक ही है, तो ए बी से लेना देना इतना नहीं है, लेकिन नेगेटिव जो सीन है ना यहाँ पर, ये क्रिएट कर देगा एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज HbA1c, ये दोस्तों बहुत कॉमन टेस्ट है आज की डेट में, ये एक्चुअल में शुगर देखने के लिए रहता है, ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन ए के लिए ये टेस्ट रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद द लंग कंप्लाइंस, तो इसमें विच रिड्यूस, अब इसमें देखो क्या रहेगा, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर, क्या है ये एक्चुअल में देख लेते हैं। एक्चुअल में दोस्तों क्या है कि देखिए, इसको पल्मोनरी कंप्लाइंस भी बोलते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि लंग की जो वॉल्स हैं वो कितनी स्ट्रेच हो पा रही हैं और कितनी रिलैक्स हो पा रही हैं, एक तरीके से मेजरमेंट है कि आपका लंग जो है वो कैसा वर्क कर रहा है, क्लिनिकल प्रैक्टिस है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आपके लंग्स रिलैक्स स्टेट में हैं तब उनकी वॉल्स कितना स्ट्रेच हैं, और जब वो एक्सपेंड कर रहे हैं तब कितना एक्सपेंड है, ये देखा जाता है। तो इसमें रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर है ये, ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा
एक पर्टिकुलर उसमें देखा जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ आ रहा है, यानी कि रुकावट का मामला है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या आते हैं, आपके स्ट्रोक्स वगैरह आ गए, है ना, कार्डिक अरेस्ट वगैरह आ गए, जहाँ पर आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज या वेंस हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, आर्टरीज मेनली, तो वहाँ देखा जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव। लेकिन रिस्ट्रक्टिव की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं कि जो वॉल्स हैं हार्ट की वो कितना एक्सपेंड और रिलैक्स हो पा रही हैं, तो ये ऑर्डर है रिस्ट्रक्टिव। अस्थमा आप जानते ही हैं, ये एक तरीके से एलर्जिक डिजीज़ है, और ब्रोंकाइटिस भी आप जानते हैं इन्फेक्शन है ये, ठीक है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इज़ नॉट क्यूरेबल, इसमें से कौन सी क्यूरेबल नहीं है दोस्तों। तो देखिए, ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, ये क्यूरेबल हो जाती हैं, ठीक है, ये फंगल हो जाएगी, लेकिन जेनेटल हर्पीस इज़ नॉट क्यूरेबल, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये वायरल है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ कंडीशन वेयर रैपिड मस्कुलर स्पाज्म अकर ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल, है ना, इन बॉडी फ्लूइड्स। तो टिटनेस कंडीशन हम जानते हैं, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी है, ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है, ये टिटेनी वाली कंडीशन मिलती है जहाँ पर लो कैल्शियम बॉडी फ्लूइड्स में अगर फाउंड होगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। माइस्थेमिया ग्रेविस, अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इसका भी कोई इलाज नहीं है, बहुत खतरनाक डिजीज़ है और एक तरीके से जानलेवा भी है। 12 और 13 ईयर्स की एज तक ही जो सर्वाइवल इसमें रहता है। ये ऑटो जेनरेटिव डिसऑर्डर है, ये आर्थराइटिस भी आप जानते हैं, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और रिमेटेड भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इसका आंसर आएगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय द थायरॉयड हार्मोन, कौन से इसमें थायरॉयड हार्मोन से रेगुलेट नहीं होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों, थायरॉयड हार्मोन जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट को तो देखते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं बेसिकली थायरॉयड ग्लैंड से, ठीक है, तो वो मेटाबॉलिज्म में ही हेल्प करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्लड कैल्शियम लेवल, बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो इनका काम है ही, इनका काम सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी नहीं रहेगा दोस्तों। थर्ड आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मीजर कैन प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद भी इसमें से कौन, देखो कॉन्डम्स तो नहीं करेंगे इसमें, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी नहीं करेंगी, ट्यूबल लाइगेशन ये भी नहीं करेगा दोस्तों। मिफिस प्रिस्टोन क्या है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ठीक है, तो ये ही करता है बेसिकली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये जो रहते हैं इमरजेंसी, ये तो 72 घंटे के अंदर लेने होते हैं, ठीक है, जब तक ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उससे पहले ही काम करेगा। तो इसका मिफी प्रिस्टोन ही आएगा आंसर दोस्तों। ये अबॉर्शन ड्रग भी है ना, ध्यान रखेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क एज अ सेकेंडरी मैसेंजर इन सेल सिग्नलिंग, कोलेस्ट्रॉल नहीं करता कभी भी, बाकी ये सारे के सारे सेकेंडरी मैसेंजर हैं सेल सिग्नलिंग में, क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द नेम गिवन टू द सेंटर ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ, तो इसका आंसर हर्बेरियम रहेगा दोस्तों। हमें पता है बोटेनिकल गार्डन नहीं रहेगा, बोटेनिकल पार्क भी नहीं, म्यूजियम भी नहीं, हर्बेरियम इसका करेक्ट आंसर होगा, ड्राइड स्पेसिमेन प्लांट्स उसमें रखे जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 20 क्वेश्चन का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगा जल्दी, और इस तरीके के क्वेश्चन आए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, 2021 में जो एग्जाम हुआ था उससे तो ठीक ही है, वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे दिए हुए हैं दोस्तों। ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों, डेली वीडियोस आएंगे, जो पार्ट ए है उससे भी, पार्ट बी से भी। आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को, अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं, जो भी डिजिटल प्लस पी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी बायो की या केवीएस वगैरह की, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।